हेलो एवरीवन, टैली की इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं आज का अध्याय। आज हम देखेंगे कि टैली में ट्रांजेक्शन कैसे करें, हाउ टू गेट ट्रांजेक्शन इन टैली। हमने टैली की विंडो ओपन कर ली है। ये विंडो में देखिए हमारा आ गया है यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली। कंपनी हमारी ओपन रहनी चाहिए। अब जो हम ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लेज़र बने रहने चाहिए, जो कि हम देख चुके हैं अकाउंट इन्फो में जाके हमने लेज़र बनाए थे, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे हमारे लेज़र बने हैं। जब हमारे लेज़र बने हुए होंगे तभी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में भी जाने से पहले हमें थोड़ा सा कंपनी के फीचर्स को भी सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर दाहिनी तरफ F11 फीचर्स मौजूद हैं। आप इसको कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप F11 प्रेस करेंगे तो भी आपके ये फीचर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर हमने गेटवे ऑफ टैली में कंपनी फीचर्स लिया है और कंपनी फीचर्स में फर्स्ट ऑप्शन हम चूज़ करेंगे अकाउंटिंग फीचर। यहाँ पर देखिए कंपनी कृष्णा एंड कंपनी के लिए अकाउंटिंग फीचर ओपन हो गए हैं। अभी हम जो ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं उसके लिए हमारा, चूँकि हम केवल अकाउंट्स की एंट्री करने जा रहे हैं तो हमारे ये सारे फीचर्स जो हैं नो रहेंगे। केवल हम यहाँ पर एक फीचर इनेबल इनवॉइसिंग को यस करेंगे। यदि आपका ये फीचर नो है तो आप इस फीचर को यस कर लीजिए। इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करवा दीजिए। आपको एक्सेप्ट जरूर करवाना है। यदि आपने एक्सेप्ट नहीं करवाया तो आपका ये फीचर इनेबल नहीं होगा। इसके पश्चात आप इससे बाहर निकल जाइए। अब हम जाते हैं ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में चले जाते हैं। हम अकाउंटिंग वाउचर में मैं आपको आज ये वाली एंट्री करना सिखाऊंगी जो हमने देखी थी। यहाँ पर रमेश ने व्यापार आरंभ किया। रमेश ने बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब उसने व्यापार में पैसा लगाया था। व्यापार में पैसा लगाया तो उसके दो अकाउंट प्रभावित हुए थे, कैश और कैपिटल। कैश अकाउंट उसका डेबिट हुआ था और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, मतलब उसका बिजनेस में पैसा आया था, पैसा रिसीव हुआ था। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको टैली में आज दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने रिसिप्ट, अगर आपका यहाँ पर दूसरा वाउचर खुला है, मान लीजिए ये खुला है F5 पेमेंट, है ना, तो आपको रिसिप्ट खोलना है तो आप F6 रिसिप्ट पर क्लिक कर लीजिए। अच्छा देखिए, कई बार जब आप स्क्रीन ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर इस तरीके से डेबिट क्रेडिट शो नहीं होता है। आप चाहते हैं कि डेबिट क्रेडिट शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर F12 कॉन्फिगर विंडो में चले जाइए। यहाँ पर आपको दो फीचर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला फीचर है आपका ये यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टीट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। ये फीचर यदि आपका नो है तो आप इसको यस कर लीजिए। और एक और फीचर ऊपर दिख रहा है आपका, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। ये आपका यस रहता तो इसको आप नो कर लीजिए, ठीक है। इस फीचर को नो करना है और अगला जो फीचर हमने बताया आपको क्रेडिट डेबिट, इसको यस करना। तो ये फीचर आपके ऐसे ही रहने चाहिए, तब आपकी विंडो इस तरीके से शो होगी, ठीक है। अब मैं आपकी एंट्री कर रही हूँ। देखिए क्रेडिट क्या हुआ था यहाँ पर, कैपिटल कितना हुआ था हमारा 20 लाख। देन एंटर बाय कैश। यहाँ पर देखिए पूरे लेज़र जो आपने बनाकर रखे वो आ जाते हैं। केवल आपको यहाँ पर एरो की से उन्हें सेलेक्ट करना है, देन आपको एंटर करना है। तो ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पर फिनिश हो गई। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टैली की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम देखते हैं टैली में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे की जाती है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है F4 फंक्शन की, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री को कहते हैं जो बैंक से संबंधित, यदि हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, या बैंक में चेक के थ्रू पैसे जमा कर रहे हैं या बैंक में चेक के थ्रू पैसे निकाल रहे हैं, या एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बैंक से संबंधित जितना भी लेन देन होता है वो हम कॉन्ट्रा एंट्री में ही करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने इसमें कुछ लेजर्स बनाए हैं बैंक से संबंधित, हम उन्हें देख लेते हैं। पहला है कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक ₹5000। तो यहाँ पर देखिए हमारे दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक तो HDFC बैंक का और दूसरा है हमारा कैश अकाउंट। तो हमने HDFC बैंक में जमा किया इसलिए डेबिट करेंगे HDFC बैंक को और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। सेकेंड है कैश विदड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक ₹2000। अब हमने यहाँ पर बैंक से पैसे निकाले, क्योंकि बैंक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है ना,
तो हमने क्रेडिट किया है HDFC बैंक अकाउंट को, डेबिट किया है हमने कैश अकाउंट को। तीसरा है कैश डिपॉजिट इन IDBI बैंक बाय HDFC बैंक, हमने यहाँ पर HDFC बैंक से पैसा निकाला है और IDBI बैंक में हमने इसको जमा किया है। तो चूंकि IDBI बैंक में पैसा जमा किया है तो उसका अकाउंट डेबिट हो गया ₹3000 से और HDFC का क्रेडिट हो गया ₹3000 से। आइए हम इन एंट्री को अब टैली में कर देखते हैं। टैली में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें इन वाउचर्स को बनाना ज़रूरी रहेगा, तो हम पहले इन वाउचर्स को बना लेते हैं। अकाउंट इन्फो में चले जाते हैं, हम यहाँ पर लेज़र में चले जाते हैं। इन लेज़र्स को बनाना हमको बहुत ज़रूरी रहेगा। हम यहाँ पर सबसे पहले लेज़र बनाते हैं HDFC बैंक का। देखिए यहाँ पर बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास HDFC बैंक का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है। हम यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले में जाके, यस हमारे पास HDFC बैंक का लेज़र यहाँ पर बना हुआ है, हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं बना है तो आप पहले जाके यहाँ पर लेज़र को बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और वाउचर एंट्री करना चालू करें। इससे पहले हम यहाँ पर F12 फीचर में जाके कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे हम वाउचर एंट्री में चले जाते हैं यहाँ पर, तो वाउचर एंट्री में देखिए आपकी कुछ चीज़ों को हमको देखना ज़रूरी है। वाउचर एंट्री में आपका यहाँ पर आ रहा है अकाउंट्स, इसका अकाउंट में फर्स्ट ऑप्शन का स्कीप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री। यदि आप बार बार डेट चेंज नहीं करना चाह रहे, एक ही डेट में सारी एंट्री करना चाह रहे हैं, तो आप इस फील्ड को येस करके रखिए, ठीक है। और सेकेंड है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। यदि आप देखिए मोड दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल एंट्री मोड होता है, दूसरा डबल एंट्री मोड होता है। तो अभी हम सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री करना सीख रहे हैं, तो इसको भी आप यस ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूज़ पेमेंट रिसिप्ट एस कॉन्ट्रा वाउचर। यदि आप पेमेंट और रिसिप्ट को भी कॉन्ट्रा वाउचर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, हम इसको अभी नो ही रखेंगे। यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। हम चाहते हैं कि जब हम एंट्री करें तो यहाँ पर हमको डेबिट और क्रेडिट शो होता रहे, तो हम यहाँ पर टू बाय की जगह डेबिट क्रेडिट शो, तो हम इसको यस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनेबल चेक प्रिंटिंग फॉर कॉन्ट्रा वाउचर। अब कॉन्ट्रा वाउचर का चेक भी प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो आप इसको यस कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका वार्म ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। अगर आपका कैश बैलेंस नेगेटिव जा रहा है तो ये आपको वार्निंग देगा, तो इसको भी हम यस कर देंगे। इसके बाद हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये हमने एंटर करके इसको बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट करवा लिया, हमको समझ नहीं आया, ठीक है। ये हमने एक्सेप्ट करवा लिया इसको। अब हम बाहर निकल जाते हैं। अब हम ट्रांजेक्शन में जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब अकाउंटिंग वाउचर में देखिए हमारा यहाँ पर पेमेंट मोड दिख रहा है, लेकिन हमको एंट्री करनी है कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। हमको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी, तो यहाँ पर ये ड्यूअल मोड आ गया है आपका एंट्री के लिए। तो ड्यूअल मोड में देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, ड्यूअल मोड में एंट्री करते समय आप इस मोड में भी कर सकते हैं और दूसरे मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको दोनों में एंट्री करके बता दे रही हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक, तो यहाँ पर जब इस मोड में हम एंट्री करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर अकाउंट दिखता है वो डेबिट होने वाले अकाउंट का, जो अकाउंट डेबिट हो रहा होता है ये उसी अकाउंट को यहाँ पर शो करता है। तो हमने डिपॉजिट किया है HDFC में ₹5000, तो अकाउंट हमारा HDFC हमने यहाँ पर लिया HDFC, ठीक है। कैसे दिया हमने कैश, कितना दिया ₹5000 हमने यहाँ पर डिपॉजिट किया है, ठीक है। देन इसको हमने एक्सेप्ट करा लिया, कैश के थ्रू किया है हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम डिनोमिनेशन डाल देंगे कि हमने कितने कितने नोट लिए हैं। मान लीजिए मैंने ये 2000 का दो लिया, 1000 का एक लिया, देन हमने इसको डिपॉजिट कर दिया। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डिपॉजिट इन HDFC बैंक, देन इसको मैंने एक्सेप्ट करवा लिया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹2000। हमने बैंक से कैश निकाल लिया, कैश विथड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक ₹2000।
1000। तो हमने कहा हमारा डेबिट होने वाला अकाउंट हमेशा ऊपर रहेगा। अब हम कैश विथड्रॉ कर ले रहे हैं तो मैं यहाँ पर कैश ऊपर रखूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं लूँगी HDFC बैंक, कितना विथड्रॉ किया हमने यहाँ से 2000, ठीक है। चेक के थ्रू किया है तो आप यहाँ पर चेक डाल सकते हैं, ठीक। अगर चेक के थ्रू किया तो चेक डालिए। यहाँ पर देखिए आपका चेक ऑप्शन आ रहा है, ई फंड ट्रांसफ़र आ रहा है और अदर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आपने कैश के थ्रू किया है तो आप यहाँ पर कैश कर दीजिए, अदर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ले लेगा, कैश विथड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक। यहाँ पर नरेशन ज़रूर दे देंगे हम इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपको एक ही डेट में एंट्री करनी है तो आप डेट चेंज नहीं करिए, लेकिन यदि आपको डेट अलग अलग चेंज करके एंट्री करनी है तो आप बिल्कुल F2 प्रेस करिए और डेट चेंज करिए। लेकिन चूंकि हम अभी एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि एजुकेशनल वर्जन में हमारी केवल एक और दो डेट लेता है, बाकी की डेट ये नहीं लेता है। इसके लिए आपको रियल वर्जन खरीदना पड़ेगा अगर आपको रियल में टैली में काम करना है तो। और केवल मंथ आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर डेट चेंज कर दे रही हूँ, मंथ चेंज कर दे रही, ठीक है। ये मैंने डेट चेंज कर दी। अब मैं तीसरी एंट्री कर रही हूँ, कैश डिपॉजिट इन IDBI बैंक बाय HDFC बैंक। IDBI बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट किया है तो IDBI बैंक। और देखिए यहाँ पर IDBI बैंक का लेज़र नहीं बना है और मुझे लेज़र बनाना है, तो एक लेज़र बनाने का तरीका यहाँ पर शॉर्टकट की होती है Alt-C। Alt-C का यूज़ करके आप डायरेक्ट यहाँ पर लेज़र क्रिएशन की विंडो में जा सकते हैं और यहाँ पर लेज़र बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर IDBI बैंक का लेज़र बना लिया, ये बैंक अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अकाउंट का नेम, अकाउंट होल्डर का नेम, यहाँ पर IFSC कोड आप ये सब डाल सकते हैं, ब्रांच, यदि चेक डिटेल है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं और नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करवा लीजिए, ठीक है। IDBI बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, निकाला किस बैंक से है, HDFC बैंक से निकाला है हमने। कितना अमाउंट निकाला है, 3000, ठीक है। ये हमने डाल दिया यहाँ पर 3000, ठीक है। अगर आपने ई ट्रांसफ़र किया है तो आप इसको ई ट्रांसफ़र ले लेंगे, चेक के थ्रू किया है तो चेक के थ्रू कर लेंगे। इसको देखिए हमने ई ट्रांसफ़र किया है, मान लीजिए एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड आप डाल सकते हैं, बैंक का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए, ठीक है। आपका IDBI बैंक से HDFC बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। तो ये थी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री।